अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट सॉस की रेसिपी। जी आज हम बनाएंगे चॉकलेट सॉस विदाउट एनी चॉकलेट, वह भी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ। उसके लिए हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कोका पाउडर 1/4 कप, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून एक छाननी में ऐड करके इसे छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम चॉकलेट सिरप की तरफ चलते हैं। उसके लिए हम ऐड करेंगे पैन में 2 कप दूध के, और हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कोका पाउडर और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे हम कंटिन्यूसली हलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहेंगे फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर। अगर चॉकलेट सिरप बनाते हैं आपके चॉकलेट सिरप की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने इसमें मिल्क ऐड करना है और चॉकलेट सिरप की कंसिस्टेंसी आप परफेक्ट कर सकते हैं। जब बटर मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और साथ साथ हम इसे हलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको हम मिक्स करेंगे और हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ क्योंकि इस पर बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जब बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो चॉकलेट सॉस की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसको हमें ज़्यादा थिक नहीं करना। अब हम इसे एक जार में कन्वर्ट करेंगे रूम टेम्परेचर पर, ठंडा करके 1 वीक के लिए इजीली सेव कर सकते हैं। ये बहुत सी रेसिपीज में चॉकलेट सॉस यूज होता है, आप इसे बनाकर इजीली किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ ओरियो शेक बनाया था तो उसकी ग्लास डेकोरेशन के लिए मैंने इसे यूज किया। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।